प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत व्यक्ति को हर महीने एक निश्चित राशि खाते में जमा करानी होती है और सरकार भी उस खाते में समान राशि जमा करती है और फिर 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को 3000 रुपए पेंशन की गारंटी मिलती है। सतना के रहने वाले मोहम्मद फिरोज, जो पेशे से एक ऑटो मैकेनिक है, इस योजना की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यह उनके बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ट्रक चालक अमरीक सिंह बेदी का कहना है कि इस योजना ने भविष्य को लेकर उनकी चिंताओं को दूर कर दिया है। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा तो जो मंथली जो मेरा खर्चा है वो मैं भी कर रहा हूँ। अभी जो उम्र मेरी पूरी हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं इस योजना का मेरे को लाभ मेरे को अच्छा मिलेगा, इसलिए मेरे को इस योजना से मेरे को अच्छा लग रहा है, योजना मेरे लिए लाभदायक है। मोदी जी की तरफ से जो हम लोग को योजनाएं मिली हैं, तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो ठीक है। अभी हम लोग का जो 60 साल के बाद अगर जैसे हर महीने हम लोग को पेंशन मिलेगी, तो हम लोग आगे चलने के लिए हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। योजनाएं बढ़िया हैं, अब इसके ज्यादा क्या से हम लोग को चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कई लोगों के लिए आय का एकमात्र स्रोत हो सकता है। यह योजना फिरोज और अमरीक जैसे लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आई है, जो अपने अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।